हौसलों के साथ लाखों लोगों की दुआओं को लेकर निकली है समाज सेविका एवं मिसेज महाराष्ट्र रह चुकी जोया सिराज शेख। विदेशी धरती पर भारत का परचम लहराने निकल पड़ी है। शुक्रवार को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर एयरपोर्ट पर उनके चाहने वालों ने उन्हें ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ विदाई दी। विदेशी धरती पर भारत का परचम लहराने निकली है जोया सिराज शेख। जी हाँ, कहते हैं ना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और अपने इन्हीं बुलंद हौसलों के साथ लाखों लोगों की दुआओं को लेकर निकली है समाज सेविका से ब्यूटी पेजेंट तक का सफर तय करने वाली मिसेज महाराष्ट्र रह चुकी जोया सिराज शेख। विदेशी धरती पर भारत का परचम लहराने के लिए निकल पड़ी है। शुक्रवार को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर एयरपोर्ट पर उनके चाहने वालों ने उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं दी। हम आपको बता दें कि आज कड़ी मेहनत और लगन से इन्होंने कामयाबी की बुलंदियों को छुआ है। उनके बुलंद हौसलों से कामयाबी का हर मुकाम उन्होंने हासिल किया है। मिसेज महाराष्ट्र का खिताब हासिल करने के बाद अब वह मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने की तैयारी कर रही है। महिला सशक्तिकरण को लेकर कार्य कर समाज में मिसाल कायम करने वाली जोया शुक्रवार को मीडिया से रूबरू हुई। बहुत अच्छा लग रहा है, बस ऐसा लग रहा है कि बस अपने हिंदुस्तान के लिए कुछ करना है, क्योंकि 45 सालों में अभी तक कोई भी इंडिया से विन होकर नहीं आया है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस बार कुछ नहीं तो टॉप 5 में तो जगह लेकर आऊं। 100 से ऊपर कंटेस्टेंट है, तो टॉप 5 का मतलब होता है विनर्स। इसमें टॉप 5 होते हैं, जो विनर होते हैं, मिसेज यूनिवर्स होगी, एक मिसेज यूनिवर्स 1 होगी, 2, 3, 4, तो ऐसे 5 विनर होते हैं। तो अगर मैं इसमें भी आ गई तो मैं अपने आप को बहुत लकी समझूंगी। देखिए, सबसे बड़ा मेरा जो है, मेरा कारा फाउंडेशन है, तो मैं चाहती हूँ मेरे फाउंडेशन के लिए मैं बेस्ट टू बेस्ट मैं जो भी कर सकूँ। ऑल मेरा तो वैसे इंडिया लेवल पे है, मैं मेरा जो फाउंडेशन मैं इंडिया लेवल पे चलाती हूँ। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है मेरा, जिसके मतलब मुझे बहुत खुशी होती है कि इसमें सारी मतलब औरतें हैं जिनको जो मेरे साथ में काम कर रही कारा फाउंडेशन में, तो मुझे बहुत खुशी होती कि वो अपने कमाए हुए पैसे का कुछ पार्ट निकाल कर जो भी गरीब है उन लोगों के लिए हम लोग मदद करते हैं। अंडर प्रिविलेज चाइल्ड हो गए, माल नरिश बच्चे हो गए, उसके बाद में विडोज लेडी हो गए, उन लोगों को कुछ काम लगा के देना, ये सब करना। तो बस मेरी यही ख्वाहिशात है कि अगर मैं ये विन करके आती हूँ तो मैं ऐसे लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकूँ। मिसेज जोया शेख का नाम न केवल समाज सेवा में बल्कि फैशन इंडस्ट्री में भी वह जाना माना चेहरा बन गई है। उन्हें क्षेत्र में आने के लिए उनके बेटे ने जोर लगाया। बेटे ने अपनी माँ के लिए एक सपना संजोया था और इसे साकार करने के लिए उन्हें हिम्मत भी दी थी। उन्हें आगे बढ़ाने के लिए उनके पति का भी काफी प्रभावी योगदान रहा। वे हमेशा उनसे कहते रहते थे कि घर के भीतर तो हर कोई अपना टैलेंट दिखाता है, लेकिन बाहर की दुनिया बहुत बड़ी है। बाहर निकलो और समाज का एक हिस्सा बनो, समाज के लिए कुछ करो, देश के लिए कुछ करो। और उन्हीं के इन महान विचारों का परिणाम है कि आज जोया शेख इस मुकाम पर पहुंची है। ये एक्चुअली मेरे बेटे का एक ड्रीम था। वो मतलब लोगों को बोलता था कि मेरी मम्मा ना प्रिंसेस है, तो ऐसे सब जगह जाकर बताना कि मेरी मम्मा प्रिंसेस। तो उसने एक दिन मुझे बोला, मम्मा क्राउन क्यों नहीं वेयर करती हूँ? तो मैंने कहा कि क्राउन वेयर करना मतलब ऐसे तो क्राउन आप वेयर नहीं कर सकते। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि इसको मैंने उसको मैंने एक दिन पूछा कि मुझे ऐसे पेजेंट वगैरह में जाना चाहिए क्या? तो उसने बोला हाँ बिल्कुल जाना चाहिए। फिर मेरे हस्बैंड लाइक मैं घर में वॉक करना ये करना, तो मेरे हस्बैंड को ऐसा लगा कि जो आप घर के अंदर कर रहे हो अपने टैलेंट को बाहर जाकर दिखाओ। तो बेटे और पति और ये मेरी फ्रेंड है मेघा कपूर, इसने भी मुझे बहुत प्रोत्साहित किया कि आप ऐसे इंडस्ट्री में जाइए, आपको बहुत इंटरेस्ट है और शायद आप कर सकती हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है। तो मेरे बेटे की वजह से और मेरे हस्बैंड की वजह से मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट मिला आगे बढ़ने का। तो बस फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस फील्ड में भी, मॉडलिंग के फील्ड में भी आगे जाना चाहिए और क्यों ना पेजेंट के लिए ट्राई करना चाहिए। तो बस मेरी सफलता का सबसे बड़ा श्रेय मेरी फैमिली, मेरा परिवार, मेरी बहनें, मेरी माँ, मेरा पति, मेरे बच्चे और मेघा कपूर और मेरी ऑल टीम जो यहाँ पे खड़ी है उनको। आज हर मुश्किल घड़ी में उनका साथ देने के लिए उनके पति, उनकी माँ, उनके बच्चे, उनकी बहन और मशहूर मेकअप आर्टिस्ट मेघा कपूर उनके साथ खड़ी हैं।
मेघा कपूर से भी हमने खास बातचीत की, आइए जानते हैं उनके बातचीत के कुछ अंश। अब मैं निशब्द हो चुकी हूँ और शायद मेरे सोचने की शक्ति भी अब कम हो चुकी है, क्योंकि मेरा पूरा फोकस है उस टारगेट के ऊपर जहाँ मुझे जाना है, क्राउन के ऊपर। और मेरा टारगेट वो क्राउन है जो एक वो अकेली वुमन के हेड पे नहीं आएगा, वो पूरे हिंदुस्तान की औरतों के सिर पे आएगा। टास्क है, बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि यूरोप में जाके काम देना इतना आसान नहीं है, बल्गारिया कंट्री में इट्स वेरी बिग टास्क। मेरे लिए भी ये बहुत बड़ा टास्क है और 27 साल का जो अनुभव है शायद उस चीज़ की मेरी परीक्षा है। आप भी दुआ कीजिए कि मेघा आप सबकी सीना चौड़ा करती है। जैसे कि आपने कहा कि मेघा शायद मोहताज नहीं है, पर मैं अभी भी ऊपर वाले का यही शुक्र अदा करूँगी कि आज अगर वो इतनी बड़ी जगह हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर इनको उन्होंने तैयार किया है तो कुछ सोचा है। अगर इतने सालों से क्राउन नहीं आया, इंडिया को वो चीज़ नहीं मिली है, हो सकता है मिसेज ज़ोया सिराज शेख वो चीज़ को लेके आए और हमारे हिंदुस्तान का नाम फिर रोशन हो। और झंडा मैं अपने बैग में लेके जा रही हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि वो वहाँ मैं लहरा के ही आऊँगी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एयरपोर्ट पर आज उनके चाहने वालों का भी तांता लगा रहा, सभी ने अपने ढंग से उन्हें शुभकामनाएं देकर विदाई दी। आज बड़ी खुशी की बात है, मिसेज यूनिवर्स के लिए हमारे जोया सिराज मैडम यहाँ जा रही है नागपुर से, उनको ढेर सारी मैं शुभकामनाएं दूंगा। और नागपुर का नाम उन्होंने ऊंचा किया इसलिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और ज़रूर वो वहाँ जाने के बाद सिलेक्ट होंगी और पूरी तरह से नागपुर का नाम और ऊंचा करेंगी, इसलिए मैं ढेर सारी हमारे भाभी को शुभकामनाएं देता हूँ। आज हमारे जोया सिराज भाभी हमारी मिसेज यूनिवर्स के लिए जा रही है, और नागपुर के लिए बहुत गर्व की बात है कि एक अच्छा उनको एक वहाँ पे चांस मिला है और वहाँ ज़रूर वो सिलेक्ट होंगी और सिलेक्ट होके नागपुर का नाम ऊंचा करेंगी, और हमें विश्वास है कि और उसी के साथ मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा। और भाभी हमारे परिवार की है, सिराज भी हमारे परिवार के हैं, और उनके माध्यम से सही मायने में एक अच्छा चांस उनको यहाँ से जाने के लिए मिला है, और ज़रूर वो सिलेक्ट होके आएंगी और हमारे लिए एक बड़ा खुशी का मौका रहेगा, उसका हम सेलिब्रेट करेंगे और शुभकामनाएं देंगे। ऑरेंज सिटी हेयर एंड ब्यूटी क्लब तथा ब्यूटी डे टू डे के तरफ से मैं यहाँ पे जोया शेख मैडम को उनका अभिनंदन और उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन करने यहाँ आया हूँ। वो बल्गेरिया जा रहे हैं अपना नागपुर का नाम रोशन करने, तो मैं उनको और हमारी टीम के मेघा मैडम उनको दोनों को अभिनंदन करने यहाँ आया हूँ। मैं ऑरेंज सिटी हेयर एंड ब्यूटी क्लब से आई हूँ, मैं जोया मैडम को आज कॉन्ग्रेचुलेशन देने यहाँ पे आई हूँ। मुझे पता है कि जोया मैडम ये क्राउन विनर होके ही आने वाले हैं और साथ में इंडिया का झंडा वहाँ पे लहरा के आने वाले हैं। पुर से ही हूँ, मेरा प्रयास मेकोर है, और जैसे कि हम ब्यूटी शन फील्ड वाले हैं सारे ही, तो आज हम आए हैं जोया दी को विश देने के लिए कि जैसे वो कुछ दिन पहले मिसेस महाराष्ट्र का ताज लेके आए हैं, तो हमारी बेस्ट विशेष है कि वो मिसेस यूनिवर्स का भी लेके आए। बिकॉज कैसे है ना, एक मैरिड लेडी के लिए इतना सब मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट, एज अ मदर, मैं भी दो बच्चे की माँ हूँ तो मुझे पता है कितना मुश्किल होता है बच्चों को छोड़कर ये चीज़ें करना। बट शी हैज़ वेरी, बोलते हैं ना, वो एक लेडी में ही इतना पावर रहता है कि वो कर सकती है और वो करके आएगी। इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही बहुत बड़ी बात है मैम, और मैं तो ये भी बोलूँगी कि वो अपना लक्स साथ में ले जा रहे हैं मेघा कपूर मैम को क्योंकि जितना हम जानते हैं मेघा मैम को, वो बहुत दिल से हर चीज़ करती है, और उन्होंने पहले भी उनके साथ काम किया है, एज अ मेकअप आर्टिस्ट हो जा रहे हैं, हमारी गुरु है, और हम चाहेंगे कि दोनों वहाँ से जब आए तो हम यहाँ ढोल ताशे लेके खड़े रहे वेलकम के लिए। जय माता दी, जय भारत। मैं आज जोया दी को बेस्ट विशेष देने आई हूँ, और साथ में उनके साथ हमारी मेघा दी है, मीन्स हमारी गुरु है, तो दोनों जीत के ही आएंगी, मीन्स दी तो जीत के आएंगी बट मेघा दी भी साथ में है, उनका बेस्ट लक वो अपने साथ लेके जा रही है। और हम तो दी को थैंक यू बोलना चाहते कि हमें ये सौभाग्य दिया कि उनको विशेष देने के लिए हमें बुलाए यहाँ, तो थैंक यू सो मच। और उन दोनों को बहुत ज़्यादा हमारी तरफ से बेस्ट विशेष है, जोया दी जीत के आई है। आपको बता दें कि आज वे 100 देशों से लड़ने जा रही हैं। भारत का प्रतिनिधित्व करना हम सभी के लिए गौरव की बात है। उनके भावी जीवन और करियर के लिए आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है।
आज वे समाज सेवा के साथ ही फैशन इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा बन गई है। हम सभी की तरफ से उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। हमें पूरा विश्वास है कि इस बार भारत का परचम जोया सिरा शेख अवश्य फहराएगी। यूनिवर्स के लिए जोया शेख ये जो है भारत को रिप्रेजेंट करने वाली है बल्गेरिया में। 96 जो कंट्रीज वहाँ आने वाले हैं उसमें भारत को ये रिप्रेजेंट करने वाले हैं। उनसे हम जानेंगे कि किस तरह से उनका आगे का सफ़र होने वाला है। देखिए 96 देश शायद 100 के ऊपर भी है। 96 तो अभी तक थे, अभी 100 के ऊपर हो गए कंटेस्टेंट। तो वैसे तो 140 कंट्री से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन थोड़ा सा कोरोना के बाद से थोड़ा सा ये चीज़ें कम हो गई है। होप सो मैं अपना वहाँ पे बेस्ट देकर आऊँ। मैंने तो सारे प्रिपरेशन किए हैं, मेरी फिटनेस से लेकर डाइट से लेकर एवरीथिंग। तो मैंने तो अपना हर जगह बेस्ट दिया है। 3 महीने से ये चीज़ें, 3 महीने से प्रिपरेशन चल रहा है। ये बल्गेरिया में हो रहा है, सोफिया सिटी में, यूरोप कंट्री में। तो होप सो वहाँ पे जाकर मैं बहुत अच्छा दे सकूँ, अपना बेस्ट टू बेस्ट दूँ। 30th of January से 4th of February तक है ये शो। तो 4th February को ग्रैंड फिनाले है। इसमें नेशनल कॉस्ट्यूम भी होता है। मैं अपने देश के जो भी एक नेशनल जो एक थिंक होगी उसको लेकर मैं वहाँ पर रिप्रेजेंट करने वाली हूँ। तो आपको बहुत बहुत सारी चीज़ें सरप्राइज मिलने वाला है। लेट्स सी, अभी देखते हैं वहाँ पे क्या होगा। जो होगा बेस्ट होगा, इतना मुझे पता है। बहुत सही है कि जो होगा वो अच्छा ही होगा, क्योंकि आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो। और इसके साथ ही मैं मुझे ये पूछना था कि आपने एक ताज पहले ही पहन चुके हो मिसेस महाराष्ट्र का, आप सोशल वर्कर थी, उससे ब्यूटी पेजेंट, ये सफ़र कैसा था? मिसेज महाराष्ट्र का जो सफ़र था ये भी बहुत खूबसूरत था मेरा। मुझे नहीं पता था, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ 30 कंटेस्टेंट थे उस समय, जिस समय मैंने मिसेज महाराष्ट्र का पार्टिसिपेट किया था। तो उस समय तो मुझे कुछ भी नहीं पता था, बिकॉज ब्यूटी इंडस्ट्री मेरे लिए बहुत मतलब फर्स्ट टाइम था पेजेंट्री। तो मैंने सोचा कि ठीक है, जाना चाहिए, करना चाहिए। तो बस मेरे बेटे ने बोला, उसने मुझे जो हिम्मत दी उसकी वजह से मैं वहाँ पर गई, और उसको देखते हुए वहाँ पर मैंने बेस्ट दिया। वहाँ पे भी टैलेंट राउंड होता है, तो उसमें मैंने अर्धनारी का मैंने एक ये दिया था, डांस किया था मैंने, वो भी बहुत अच्छा लगा था लोगों को। तो मिसेज महाराष्ट्र का भी जो ये था वो बहुत अच्छा था। मुझे ऐसा लगता है कि जिसको भी अपने ख्वाहिशों को बुनना है, किसी भी लेडी को अगर अपने ख्वाहिशों को बुनना है, तो उसने बिल्कुल आगे आकर बढ़ चढ़ कर किसी भी इंडस्ट्री में जाकर अपने आप को निखारना है और अपने आप को प्रूफ करके दिखाना है कि यू कैन डू इट। मिसेस हो तो घर की जिम्मेदारियां है, बच्चे रहते हैं, पूरी जिम्मेदारी अपने पे रहते हैं। तो ये कैसे, मतलब ये जो सफ़र आपका चालू है और इसमें आप कैसे जिम्मेदारियाँ निभाते हो? मतलब एक ताज है, दूसरे ताज के लिए आप जा रहे हो, और घर की जिम्मेदारियाँ। देखिए मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा कहते हैं कि मैं तुझे सलाम करता हूँ कि तुम दुनिया के किसी भी कोने में रहो। मैं बहुत इंटरनेशनल घूमती हूँ, मैं इंडिया में भी बहुत जगह जाती हूँ। काम से बहुत बार काम से रिलेटेड जाना पड़ता है, बहुत बार अपने पति को टाइम देने के लिए जाना पड़ता है। तो ऐसे टाइम में ऐसा होता है कि मेरी बहनें और मेरी माँ, मेरा परिवार, मेरे घर की बाजी, मेरे घर में जो लोग काम करते हैं, मेरी कुक और मेरे घर का हर एक सदस्य जो मेरे बिहाफ में, मेरे ड्राइवर से लेकर एवरीवन, ये मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट है कि इनके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो मेरा परिवार जो है वो मेरा ड्राइवर, मेरे घर की कुक, मेरे घर में काम करने वाले एवरीवन, ये लोग मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट है कि इनकी वजह से मैं ये सब कर रही हूँ। क्योंकि अगर ये मेरे बच्चों को खाना नहीं खिलाते, ये मेरे बच्चों पे ध्यान नहीं देते, ये मेरे बच्चों को प्रॉपर सुलाएंगे नहीं, तो मैं ये काम नहीं कर पाऊँगी। तो मेरे बिहाफ में ये लोग मेरी ड्यूटी को बहुत अच्छे से निभाते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा प्राउड और मेरा सबसे बड़ा प्राइड मेरी फैमिली है। तो बस पति के लिए और बच्चों के लिए ये आगे करना है ये पेजेंट्री, तो मैं बस इसके लिए आगे निकली हूँ। आज तक का श्रेय किसे देना चाहोगे और किससे इंस्पायर होके आप आगे बढ़ रहे हो? मैं इंस्पायर तो मेरे बेटे से हुई हूँ। मैंने जैसे आप लोगों को बताया है, वो 7 साल का है, लेकिन वो जो 3 साल का था तब से वो मुझे बोलता है ना, मेरी मम्मा प्रिंसेस है। तो वो लोगों को बुलाकर लाता था और बोलता था, आपको पता है मेरे घर में प्रिंसेस है, आप देखना चाहोगे? तो एक दिन हमारे बाजू वाली आंटी आई, उन्होंने मुझे बोला, आपका बेटा बोल रहा प्रिंसेस, मेरी मम्मा प्रिंसेस दिख रही है। तो वो मुझे आए और मुझे देखे, तो बोले हाँ सच में तुम्हारी मम्मा तो बिल्कुल प्रिंसेस है। तो उसकी जो बातें हैं, एक छोटा सा बच्चा, देखो बेटियाँ तो बोलती है अपनी माँ को, लेकिन एक बेटे का अपनी माँ के लिए बोलना ये बहुत बड़ी प्राउड की बात है। तो मुझे बहुत प्राउड होता है कि मेरे दोनों बच्चे ऊपर वाले के कर्म से ऊपर वाले ने बहुत अच्छी औलाद दिया है, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। और अभी भी मैं मिसेज यूनिवर्स के लिए जा रही हूँ, तो मेरे बेटे का और मेरी बेटी का बहुत बड़ा सपोर्ट है कि मम्मा आप मिसेज यूनिवर्स बन के आओगे।
तो मुझे लगता है कि शायद इनकी जो पॉजिटिविटी है ये मुझे कहीं ना कहीं काम करेगी। तो होप सो, मेरे बच्चों का सबसे बड़ा सपोर्ट है, मेरे पति का सबसे बड़ा सपोर्ट है, और सबसे बड़ा श्रेय मेरे बेटे, मेरे पति, मेरी फैमिली और मेघा दी को देना चाहूँगी मैं, क्योंकि मेघा दी का भी बहुत बड़ा सपोर्ट है इसमें, क्योंकि इन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री में आने के लिए बोला कि दीदी आप करो, आप कर सकते हो, आप जाओ, आप एक बार करो। तो बोला नहीं यार मैं तो नहीं कर सकती, तो बोला नहीं आप एक बार ट्राई तो करो, आप कर लोगे। तो बस फिर मैंने इस चीज़ पे निकली, और इंटरनेशनल लेवल पे भी जाने की बात थी, तो मैंने कहा इंटरनेशनल लेवल पे तो मैं कभी नहीं जाऊँगी, आई कांट, मतलब मैं तो नहीं कर सकती हूँ। तो इन्होंने मुझे बोला नहीं आप एक बार तो भी जाओ, आप कर सकते हो। तो बस इनकी जो हिम्मत थी मुझे देने की, इंडिया के लिए खेलने जा रहे थे लेकिन वो फैलिसिटेट कर दिया आराध्या एसोसिएशन ने, तो फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो सोचा कि सबसे बड़ा तो यूनिवर्स ही है, ब्रह्मांड से बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब बस ब्रह्मांड से एक सुंदरी बनकर आए, ब्यूटी विथ ब्रेन, बस इतना ही कहना था। जी सर, आप मिसेस यूनिवर्स के लिए जा रहे हो, तो कौन सी मतलब इससे जा रहे हो, कौन से इवेंट से जा रहे हो? मैं मिसेस इंडिया INC के थ्रू जा रही हूँ, इंडियन फैमिली की तरफ से। मिसेस मोहिनी शर्मा, शी इज़ अ फाउंडर ऑफ मिसेस इंडिया INC, उनके थ्रू मैं जा रही हूँ। उन्होंने अभी अभी मिसेस वर्ल्ड का टाइटल अपने इंडिया के लिए लाया है 21 सालों बाद, तो होप सो इस बार वो मिसेस यूनिवर्स का भी लेकर आए, बस इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू। तो हमारे साथ ये ज़ोया शेख थे जो मिसेस यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडिया के लिए वो खेलने जा रहे हैं, और हम ये आशा करते हैं और ये बेस्ट लक देते हैं उन्हें कि वो ये क्राउन जो है मिसेस यूनिवर्स का इंडिया के लिए जीत कर आए। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।